है अपने काम करने के तरीके से और प्रयास नमस्कार। हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। झमाझम बारिश के बीच भी भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह का अध्यक्षता करते हुए प्रखंड प्रमुख सीता देवी ने पाग माला चादर से प्रखंड विकास पदाधिकारी रागिनी साहू जी का भव्य स्वागत किया। वहीं नए वीडियो के रूप में निवेदिका जी को भी पाग माला चादर से सम्मानित किया और साथ ही नए वीडियो ने अपना पदभार ग्रहण किया। हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं। खबर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके आसपास के तमाम हर छोटी बड़ी खबर आप तक दिखाते रहते हैं क्योंकि हायाघाट के तमाम जनप्रतिनिधि यहां पे उपस्थित होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को पाग माला चादर व मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। हम आपको आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं और पूरा हायाघाट ट्राइसम भवन से हम पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हायाघाट थाना के थाना अध्यक्ष भी उपस्थित है, खासकर हायाघाट अंचलाधिकारी भी उपस्थित है। तमाम समिति के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। सभी राजनीतिक दल के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष इत्यादि सभी उपस्थित आप देख रहे हैं। हायाघाट के थाना प्रभारी भी उपस्थित हैं। यहाँ सभी एग्रीकल्चर पदाधिकारी भी उपस्थित है, स्वच्छता पदाधिकारी भी उपस्थित है एवं हायाघाट के तमाम सरकारी कर्मी है वो इस कार्यक्रम में उपस्थित आप देख रहे हैं। हायाघाट के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हायाघाट के ट्राइसम भवन में उपस्थित है और बारी बारी से पाग माला चादर व मिठाई खिलाकर सम्मानित कर रहे हैं। आपके आसपास के तमाम हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचाया जा रहा है। हायाघाट प्रखंड के विकास पदाधिकारी रागिनी साहू ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह यहाँ के लोगों का प्यार आशीर्वाद प्रेम मिला हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ के लोगों को अगर कभी भी हमसे ज़रूरत पड़े तो कभी भी बेहिचक हमसे फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं। हमेशा सभी के लिए साथ रहेंगे। खासकर सिधौली पंचायत के मुखिया नगेश्वर दास भी पाग माला चादर से भव्य सम्मानित किया। अंचलाधिकारी ने भी इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अंचल और प्रखंड जो है मिलकर और समन्वय स्थापित करके एक हायाघाट को एक अच्छे प्रयास के साथ ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। समारोह में कितनी खुशी लग रहा है आपको, तो ऐसा पल बताइए जो आप कार्यकाल में मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस जुलाई 2021 से मैं यहाँ पदस्थापित हुआ जो वीडियो के रूप में। काम कोई भारी नहीं होता और डिफिकल्ट नहीं होता है। इस चेयर पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, निर्वाचन, कोविड या अन्य भी किसी पंचायत में कभी किसी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन पूरे हिम्मत के साथ या दृढ़ संकल्प के साथ ही मैं पहले ही होती हूँ कि निश्चित रूप से वह समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और जनप्रतिनिधि और पब्लिक, स्थानीय पब्लिक, कार्यालय के कर्मी के सहयोग से हमने सभी समस्याओं का निदान बखूबी किया है और कहीं इस तरह की कई विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुआ है जिससे कि कभी कोई परेशानी बनी। पूरे सभी प्रतिनिधि, कार्यालय कर्मी, सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो हमने काम किया है इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। उन्हें बहुत ही सैल्यूट के साथ धन्यवाद दे रही हूँ कि सभी लोगों ने कदम के कदम मिला करके मेरा सहयोग दिया ताकि मैं अच्छे से काम कर पाई हूँ और मेरी शुभकामना हमेशा उन लोगों के साथ है। जब भी किसी तरह की ज़रूरत हो हमसे बात करने की, किसी तरह से पत्र भी लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 साल के कार्यकाल में कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं की। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ से फिर कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर जा रही हूँ। 6 महीना मात्र शेष है। आप लोगों से केवल एक ही आग्रह है कि सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं फिर अच्छे से जो 6 महीना बचा है उसका निर्वहन कर सकूँ। और मैं शुभकामना भी दे रहे हूँ कि आप लोग के सहयोग से मैडम बेहतर काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।
मैडम आज पदभार ग्रहण किए हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता समस्याएं विभिन्न तरीके की आती रहती है, प्राथमिकताएं वैसे ही निर्धारित की जाती है। अभी तो जैसा दौर आ रहा है, लोकसभा निर्वाचन का दौर आ रहा है, तो निर्वाचन के कार्य में हम लोगों को लग जाना है, तो प्राथमिकता के तौर पे ऑफिस के जितने भी समस्याओं को चला देखते हुए निर्वाचन के कार्यों को देखना हम लोगों की प्राथमिकता है। क्या नाम हुआ आपका? निवेदिता। क्या है आप? वीडियो के रूप में मैं पदस्थापित हुई।